साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स के आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डेट फॉर्मूला। डेट फॉर्मूला के अंतर्गत हमारा ई डेट, डेट, मंथ, डेटेड इफ, डे, आवर, मिनट्स, ये कुछ फॉर्मूले जिनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। आइए सीख लेते हैं। देखिए, डेट के फॉर्मूले में सबसे पहले हम आपको बताते हैं टुडे का। हम टुडे का क्यों यूज़ करते हैं? यदि आपने एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट करनी है तो आप टुडे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करके एंटर यूज़ करेंगे खाली, तो यहाँ पे करंट डेट आ जाएगी जो हमारे सिस्टम में फ़िलहाल डली हुई है। अगर आपके सिस्टम में गलत डेट डली हुई है तो गलत दिखाएगा, अगर सही डली हुई है तो सही दिखाएगा। इसी प्रकार यदि हमको डेट और टाइम दोनों चीज़ें चाहिए तब हम यूज़ करते हैं नाउ का फंक्शन। तो इसमें भी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे, तो डेट और टाइम दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसी प्रकार कुछ बैक डेट मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट कुछ डेट डाल लेता हूँ। अब इस तरह से आपके पास कोई डेट डली हुई है, वो ज्वाइनिंग डेट हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और उसमें से हमने किसी अलग कॉलम के अंदर सिर्फ ये देखना है कि ये जो ज्वाइनिंग हुई है इनकी, ये किस मंथ्स में हुई, सबके मंथ्स अलग करने हैं सिर्फ। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि हम करेंगे इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और वो सेल एड्रेस देंगे और एंटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ मंथ्स आउट हो जाएगा। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी की ज्वाइनिंग डेट में से मंथ्स आउट कर सकते हैं हम, और ये देख सकते हैं सभी का अलग अलग करके कि किसकी किस मंथ्स में ज्वाइनिंग हुई है, या फिर किसकी किस साल ज्वाइनिंग हुई है उसके लिए हम यूज़ करेंगे ईयर। तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू ईयर ब्रैकेट स्टार्ट और उसी प्रकार हम सीरियल नंबर या टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे और एंटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे वो ईयर आउट हो जाएंगे। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। सेम टू सेम कुछ फॉर्मूले मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे कि हमने यूज़ करना है डे, डे आउट करना है, या फिर हमने आवर निकालना है, या फिर हमने मिनट्स निकालने हैं, या सेकंड निकालने हैं, ठीक है। वो सब हम उस डेट और टाइम में से आवर्स, मिनट, सेकंड या डेट इसी प्रकार से आउट कर पाएंगे, ठीक है। इससे मेरा भी समय बच जाएगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डेट इटिफ के लिए। देखिए, अगर हमने डिफरेंस निकालना है एक डेट से दूसरी डेट के बीच का, यानी कि आपने ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आज के दिन आपकी उम्र कितनी हो गई, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, तब हम यूज़ करते हैं डेट इटिफ का फॉर्मूला। अब इस जगह मैं कोई भी एक डेट डाल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 4/12/2015, हो गया। इसको मैं थोड़ा बढ़ा लूँ कॉलम को, और यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 12/10/2020। दो डेट्स हमारे पास आ गए। इन दोनों के बीच का हमने अंतर देखना है कि कितने साल का अंतर है, सिर्फ ईयर देखना है। देखिए, कंप्लीट देखिए, बिल्कुल ही आराम से, बिल्कुल बारीकी से समझाऊँगा मैं आपको। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू डी ए टी ई डी इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स कुछ भी नहीं दिखा रहा है इसमें, इस फॉर्मूले में नहीं दिखाएगा। आपने क्या करना है, स्टार्ट और एंड, हमने स्टार्ट डेट ये डालनी है, कोमा यूज़ करेंगे, एंड डेट हमने ये ली है, तो इसके बीच के ईयर देखने, तो कोमा यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वाई, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास के साथ क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज, ओके, और एंटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रखा है 4 साल। अब ये नहीं पता ये क्या दिखाया, 4 साल दिखाया, 4 क्या आ गया, हम ये दिखाना चाहें साथ में, तो इस फॉर्मूले में आगे हम करेंगे एंड का यूज और यहाँ पे करेंगे इन्वर्टेड कॉमास, एक स्पेस डाल के लिख देंगे ईयर, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज और एंटर यूज करेंगे, तो अब दिखाएगा 4 ईयर, हो गया। इसी प्रकार अगर हमने निकालना है मंथ्स,
टोटल इस डेट के और इस डेट के बीच में मंथ कितने हैं, तब हम यूज़ करेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वही हम दोनों डेट ले लेंगे कोमा एक और ये दूसरी कोमा, और इस बार हम डालेंगे मंथ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर यूज़ करेंगे। तो टोटल 58 मंथ्स यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि जो चार साल जो लग गए इसमें टोटल 18 मंथ, यानी कि चार साल तो पूरे हो, 10 महीने और एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 58 मंथ्स यहाँ पे दिखा रहा है। हम टोटल डे काउंट करना चाहें कि कितने दिन हो गए, तो टोटल डे काउंट भी कर सकते हैं, इसी प्रकार हम डे लिख देंगे। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने देखना है डेट ऑफ बर्थ, कि चार साल बच गए वो महीने और बच गए वो दिन। तो अब देखिए यहाँ पे चार साल तो पूरे पूरे दिखा दिए, लेकिन ऊपर के जो 10 महीने थे उसका एक साल कन्वर्ट नहीं करा इसने, तो वो 10 महीने यहाँ पे बच रहे हैं। अगर हमने सिर्फ वही मंथ निकालने हैं तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम टू सेम ये डेट ले लेंगे कोमा दूसरी डेट ले लेंगे, कोमा यूज़ करेंगे और इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे वाई एम इन्वर्टेड कोमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब दिखाएगा यहाँ पे 10 मंथ्स, क्योंकि ईयर अलग कर दिए, ईयर हटाने के बाद जो मंथ बच गए वो मंथ्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसमें भी अगर हम साथ में लिखना चाहें एंड मंथ, तो हम ये मंथ्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं, हम निकालते हैं डे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको कम कर लेते हैं, ये भी बढ़ेगा भाई। तो यहाँ पे करते हैं हम डे, डे के लिए इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वही स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और इस बार हम लिखेंगे हम एम और डी इन्वर्टेड कोमास बंद ब्रैकेट बंद। तो कितने दिन बच गए, 8 दिन, यानी कि क्या डेट का अंतर हो गया यहाँ पे, 4 साल 10 महीने 8 दिन। अब हमने इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, तो देखिए मैं यहाँ से इनको एक बार हटा देता हूँ, इस लास्ट डेट को भी हटा देता हूँ, स्टार्टिंग डेट बाय द वे मान ली हमने ये, और इस ये डेट ऑफ बर्थ है, इससे आज तक टिल डेट तक हमारी डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी, कितने साल कितने महीने कितने दिन, तब हम यूज़ करेंगे एक ही सेल के अंदर सारा फॉर्मूला लगा देते हैं, हम करेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल एड्रेस हो गया हमारा, कोमा एंड डेट हमने क्या लेनी है, टिल डेट लेनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फॉर्मूला जो कि था टुडे का, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, टुडे के अंदर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, टुडे का फॉर्मूला आ गया, कोमा यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ईयर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड क्या लिखा आ जाए वहाँ पे, वहाँ पे वाई ई ए आर एस ईयर्स लिखा आ जाए, हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। हम यहाँ पे एक बार एंटर यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 4 साल, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेम टू सेम, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे लिखेंगे एंड कंट्रोल वी, हमने फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए इसमें बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो हम ईयर्स के बाद यहाँ पे एक स्पेस डाल लेते हैं, या कोमा यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पे कोमा यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कोमा और फिर स्पेस आ जाएगा, फिर से डेटेड इफ टुडे ईयर की बजाय अब हम कुछ यहाँ पे मंथ, तो कर देंगे वाई एम और यहाँ पे कर देंगे मंथ मंथ्स कोमा स्पेस, और फिर से एक बार पेस्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले को, फिर से हमने पेस्ट कर लिया, और पेस्ट करने के बाद इसमें से हम फिर से चेंज करना है, जहाँ पे वाई था यहाँ पे हमने करना है एम डी, यानी कि मंथ्स हो गया, और ईयर की जगह हमने करने हैं डे डेज, ठीक है, कंप्लीट, और एंटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ छोड़ दिया, यहाँ पे एंड नहीं लगाया हमने, है ना, यहाँ पे एंड लगाएंगे, दूसरा भी हो गया ना, और एंटर यूज़ करेंगे। अब देखिए प्योर दिखा रहा है आज की डेट तक, 4 साल 10 महीने और 23 दिन। अगर हम टिल डेट नहीं ले रहे हैं, टुडे का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, किसी दो बीच किसी दो डेट के बीच का अगर अंतर हमने देखना है, तो हम वो दोनों सेल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाता है ई डेट। ई डेट का होता है कि भाई आपके पास ये कोई भी डेट है, इसके 10 महीने बाद क्या डेट आएगी, या इसके 20 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, वो चेक करना है हमने, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ई डेट का।
अभी देखिए मैं यहाँ करता हूँ इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कह रहा स्टार्ट डेट, ये आ गई, कोमा, कितने भी साल के बाद की आपने डेट देखनी है उसको आप सिर्फ यहाँ पे मंथ्स में ही लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप दो साल बाद के देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 24 मंथ्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो 24 महीने बाद जो डेट आएगी वो आपकी ये आएगी, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, इसको मैं डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो आएगी आपके 24 महीने बाद वो 4/12/2017 आएगी। इसका यूज हम किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की एक्सपायरी डेट निकालने के लिए कर लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट अगर हमने कंप्लीट 24 महीने की डालनी है तो 24 महीने बाद, यहाँ पर तो 24 महीने और एक दिन ऊपर हो गया है ना, 24 महीने कब हो जाएंगे, ये 3/12/2017 को हो जाएंगे। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका करता हूँ इज इक्वल टू ये डेट हो गया प्लस 365 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी उसकी एक्सपायरी डेट। अगर हमने एक साल की डालनी है, दो साल की डालनी है तो दो साल की डाल सकते हैं। दो साल की के लिए हमने ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वो कैसे करेंगे, 365 कर दिया, दो साल की करनी है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये दो साल की डेट आ जाएगी। इसी प्रकार डेट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम डेट को अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके वो देख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।